यूपी के जहांगीराबाद की बात करते हैं, जहां छात्रों के साथ छेड़छाड़ और विरोध करने पर अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कार सवार दबंगों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन छात्रों के शोर मचाने और मौके पर भीड़ को देखते हुए वो फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। परेशान कर रहे थे कुछ दिनों से, वो स्कूल से जाना उसने बंद कर रखा था, काफ़ी दिन तक स्कूल नहीं जाती थी, परेशान करते रहते हैं कोई क्या कहें, लेकिन हमें अब आकर पता चला जब उन्होंने क्या कहें हमारी बहन को अपहरण करा, उठाने की कोशिश करी, उसे उठा भी लिया, क्या कहें उसे लेके क्या कहें वहाँ तक क्या कहें छोड़ रहे नहीं थे, वो छुटा के कैसी करके भागी, उन्होंने इस तरह का इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारा मोबाइल लेकर भाग रही थी। क्या लोग? तीन लोग थे वो। रिपोर्ट दर्ज होगी। पीड़ित कॉलेज से आ रही थी बीकॉम की परीक्षा देकर, वहाँ पे मैंने लिफ्ट ली थी तो बाल्मीकि पुलिया पर उतारा मुझे, मैं वहाँ से उतरी उनकी गाड़ी में से भागी, तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी। कैसे बचाव करा आपने, अपनी जान कैसे बचाई उन दरिंदों से? मैंने गाड़ी में से उतर के मैं भाग रही थी तो मैंने चिल्लाया, सबसे कहा सब आए मुझे बचाने के लिए, तब मैं वहाँ से निकली।